हेलो दोस्तों, ग्रुप बी का एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका होने वाला है 5 से 6 दिन में। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले जीके का क्विक रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से इस सीरीज में आप कर लोगे। तो इसमें टोटल 314 वीडियो होने वाले हैं, उसमें से ये वीडियो नंबर 28 है। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है टोटल, तो आप जा करके पूरे वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए। और ये लगभग टोटल 314 वीडियो आपको तुरंत 5 से 6 दिन में मिल जाने वाला है। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेना है शुरू से अंत तक, उसके बाद आपको जीके का जो पोर्शन होगा आपको पूरा अच्छी तरह से सोल्यूशन आप कर पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पद्मा। उसके बाद है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पोरबंदर। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम अगर सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले उधर है सिंधु, इस पर थोड़ा सा पेन को हम कम कर लेते हैं। पहले नंबर है सिंधु, उसके बाद है सिंधु झेलम, झेलम चिनाब रावी ब्यास, उसके बाद है सतलज। ये नॉर्थ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6, ठीक है। ये नॉर्थ में सिंधु, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, ब्यास है, फिर सतलज है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से हम लिख चुके हैं, इस तरह से आपको पूरे सिंधु नदी तंत्र का याद रहेगा नदी, ठीक है। उसके बाद है, जय संहिता किस प्रकार का प्राचीन सॉरी यहाँ पर जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? अच्छा, तो जय संहिता का प्राचीन नाम किसका है? महाभारत का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महाभारत का जय संहिता प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आडियार भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल मिरर, ठीक है, तो अवतल मिरर का उपयोग किया जाता है हजामती में। उसके बाद है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से हाथी गुम्फा का संबंध है, यानी जैन धर्म के उसमें बनाया हुआ चित्र, ठीक है। ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ है भाई? लखनऊ में, शायद लखनऊ में, ठीक है, हाँ जी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी मिल रहा है। उसके बाद है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया है? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में, 1996 में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना बेलगांव में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बेलगांव में गोकक झरना स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में आयात निर्यात की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक, पर्ल एस बक जो है गुड अर्थ के पुस्तक के लेखक हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था?
तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल। उसके बाद हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अयस्क लोहा का है। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। डेसिबल किसकी माप की इकाई है, तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था, ठीक है। उसके बाद है सीनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का, HG मरकरी, ठीक है, तो पारा का अयस्क सीनेबार है, ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद है तानसेन का असली नाम क्या था, तो राम तनु पांडे, राम तनु पांडे तानसेन का असली नाम था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना, तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था, 1912 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो अरुण शौरी जो हैं ये सेकुलर एजेंडा के पुस्तक के लेखक हैं। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था भाई, मैसूर का शासक था टिप्पू सुल्तान, जी हाँ, टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था, तो हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था, खारवेल ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया के रोशनी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है, चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग हम कच्चे फलों का पकाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एसिटिलीन गैस। टी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो टी यानी कि गोल्फ, गोल्फ में टी का शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, प्रथम भारतीय, तो यहाँ पर मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय था, ठीक है, मिहिर सेन। उसके बाद है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया, तो संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया भाई, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का संतरी तमिलनाडु को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है, तो अबरक का, ठीक है, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर के नाम से हम किसे जानते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 28 था, ठीक है, तो उससे पहले लेक्चर 27 डाल दिया गया, 27 तक अपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना है, और इसी तरह का 314 वीडियो जो आने वाले 5 से 6 दिनों में, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और ये 314 जो वीडियो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, RRB का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये पूरा वीडियो को आपको देख लेना है, तब जा करके बैठना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।